हाय एवरीवन दिस इज़ दीपिका आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में और आज के लेक्चर में हम बेंथम का कॉन्ट्रीब्यूशन समझ समझने की कोशिश करेंगे इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट सो काफ़ी दिन से आप इस टॉपिक पर डिमांड कर रहे थे वीडियो फाइनली द लेक्चर इज हियर सो बेंथम के बारे में पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फिर बेंथम का जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है मॉडर्न पोलिटिकल थाट में वन बाई वन वो सारे कंसेप्ट को हम समझेंगे जैसे कि का कंसेप्ट देन हेडोनिक कैलकुलस का कंसेप्ट इसके बाद से लीगल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स जो सजेस्ट किए जाते हैं देन इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी को लेकर एंड देन द फाइनली आपका पैनापैटिकन जो कंसेप्ट दिया गया उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ओके तो काफ़ी डिटेल में लेक्चर होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल लेक्चर होने वाला है इस लेक्चर्स के थ्रू आपका क्या होगा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रस्ट में अगर आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ये हमारा मेन पर्पज़ है ओके सो so मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूँ इससे पहले एक हमारे रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज uh, कर सकते हो कांटेक्ट कर सकते हो और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंथम इन मॉडर्न पोलिटिकल थाट में सो जेरमी बेंथम बेसिकली क्या है एक प्रोमिनंट फिलासफ़र जरिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थे जिनका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में जो हम आज के लेक्चर में एड्रेस कर रहे हैं जर्मी बेंथम को एक क्लासिकल फिलोसोफर के रूप में जाना जाता है इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटे के रूप में भी जाना जाता है और एक तरीके से ही ही वॉज द लीडर ऑफ़ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थाट जिसके बाद से इस यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल को फर्दर डेवलप किया जाता है जे एस मिल के द्वारा विथ सम मॉडिफिकेशंस ओके तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप दे सकते हैं बेंथम के बारे में तो अब हम आते हैं की एस्पेक्ट्स जो बेंथम का कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बेंथम का रहा है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में यूटिलिटेजम का सो बेंथम को वाइडली जाना जाता है एज अ फाउंडर ऑफ यूटिलिटेनिज्म और यूटिलिटेनिज्म एक ऐसी एथिकल थ्योरी है जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ एथिक्स कहते हैं जिसका ओवरऑल एम क्या है टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल हैप्पीनेस यहाँ पे यूटिलिटेरिज्म का मतलब ये है कि कि हम एक हर एक एक्शन को जो ह्यूमन बीइंग एक्शन लेता है उस एक्शन को हम किस हिसाब से जज करेंगे कि ये एक्शन राइट right है या रोंग किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी एक्शन को राइट right और रॉन्ग जज करने के लिए हम ये देखेंगे कि उस एक्शन की यूटिलिटी क्या है यूटिलिटी किस आधार पर अब जज करेंगे हम यूटिलिटी हम देखेंगे कि क्या वो एक्शन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल को प्रमोट कर रहा है कि नहीं दिस इज़ द यूटिलिटी बेसिकली कि जो जो भी एक्शन इंडिविजुअल ले रहा है क्या ये एक्शन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर को प्रमोट कर रहा है कि नहीं अगर कर रहा है तो वो एक्शन राइट right हो जाता है अगर वो नहीं कर रहा है तो वो एक्शन रॉन्ग हो जाता है सिंपल सी मीनिंग ये है यूटिलिटेरियनिज़म की गेटिंग इट तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के आधार पर हम जो इंडिविजुअल के एक्शंस की मोरालिटी या राइट right या रॉन्गनेस जज किया जाता है और इसका ओवरऑल एम्फिसाइज किया किया जाता है फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द सोशल वेलफेयर एंड इंडिविजुअल हैप्पीनेस एक छोटा सा अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम आधार का आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने आधार कार्ड एक की जो स्कीम लेकर आए आधार स्कीम ओके इस ये एक एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया दो कि इसके साथ बहुत सारे इश्यूज हैं डाटा प्रावेसी को लेकर राइट बहुत सारे प्रवेशी कंसर्न्स इसके साथ रिलेटेड हैं बट स्टिल ये जो आधार पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई इसके द्वारा बहुत सारे पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के द्वारा ये इजी हो गया कि वो गवर्नमेंट की वेलफेयर सर्विसेज़ को एक्सेस कर पाए

देख रहे हैं कि आधार पॉलिसी की जो यूटिलिटी है, ये मैक्सिमाइज कर रही है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल को राइट right? तो हम कहेंगे कि ये मोरल एक्शन है ये राइट right एक्शन है ओके सो यूटिलिटेजम बेसिकली इज अ प्रिंसिपल जो हमें जो किसी भी इंडिविजुअल के एक्शंस को राइट right और या यूजफुल बनाता है बेसिकली किस बेसिस पर कि ये बेनिफिट पहुंचा रही है मेजोरिटी सेक्शन ऑफ द पीपल को और प्रमोट कर रही है हैप्पीनेस इन द सोसाइटी वो भी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल का गेटिंग इट तो अभी आपको यूटिलिटेरियनिज़म का कंसेप्ट समझ में आ गया जो बेंथम के द्वारा दिया गया और एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था मॉडर्न इंडियन मॉडर्न पोलिटिकल थाट पर ओके सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन बेंथम का आता है हेडोनिक कैलकुलस हेडोनिक कैलकुलस एक तरीके का एक मेथड था एक डिवाइस है एक मेथड है एक प्रोसेस है वो भी वो भी क्वांटिटेटिव मेथड, जिसके द्वारा हम मेजर करेंगे कंपेयर करेंगे किसको इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्लेजर एंड पेन देखो ह्यूमन बीइंग जो भी एक्शन लेता है ना ह्यूमन बीइंग के जो भी एक्शन होते हैं उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे एक तो या तो पेन बढ़ेगा या प्लेजर बढ़ेगा प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस ओके अगर हैप्पीनेस या प्लेजर को बढ़ाते हैं तो वो एक्शन राइट right है अगर पेन बढ़ रहा है तो वो एक्शन रॉन्ग है एज सिंपल एज अब हेडोनिक अब हम इसे मेज़र कैसे करेंगे प्लेजर पेन ये जो हैप्पीनेस है ये इसको तो इसके लिए बेंथम के द्वारा प्रपोज़ किया जाता है हेडोनिक कैलकुलस ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है यहाँ पर हम हैप्पीनेस या जो प्लेजर और पेन है इसकी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन को मेज़र करेंगे और साथ ही साथ कंपेयर कर पाएंगे कि, कि किस एक्शन की हैप्पीनेस या प्लेजर ज़्यादा है और किसकी कम है और इसके आधार पर हम डिसीज़न मेकिंग करेंगे राइट सो दिस हेडोनिक कैलकुलस प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द पॉलिसी इवेलुएशन जैसे हमने आधार का एग्जाम्पल लेकर देखा कि, कि किस तरीके से आधार मैक्सिमाइज कर रहा है हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल और इसके आधार पर हम पॉलिसी का इवोल्यूशन कर रहे हैं इवेलुवेट कर रहे हैं इवेल्यूशन कर रहे हैं कि हाँ ये पॉलिसी सोशल वेलफेयर के लिए है ओके okay? यहाँ पे गोल क्या है मैक्सिमाइज़ द प्लेजर एंड मिनिमाइज द पेन सिंपली तो यहाँ पर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं सिंपली जैसे आप देखते होगी ना कि कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो ना कि भाई बेंथम का पॉलिटिकल थॉट पे कंट्रीब्यूशन प्रिपेयर करेंगे ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, दोगे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आपका टू मार्क्स का या थ्री मार्क्स का आएगा तो आप इतनी इम्पॉर्टेंस इस टॉपिक को नहीं देंगे तो एक तरीके से हम जिस तरीके से सिलेबस में फाइंड आउट करते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं टॉपिक का कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड मोड पर पूछे जाते हैं तो उस आधार पर हम उसको फाइंड आउट करते हैं फिल्टर करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर प्लेजर एंड पेन के कंसेप्ट से हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं विद दी हेल्प ऑफ दिस क्वांटिटेटिव मेथड दैट इज़ नोन एज अ हेडोनिक कैलकुलस ओके और ये आपको हेल्प करता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स को डेवलप करने पे तो ये एक सेकेंड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया बेंथम का मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में थर्ड है आपका लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बेंथम एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इस चीज को प्रमोट कर रहे थे एडवोकेट कर रहे थे कि लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए जाना चाहिए उन्होंने बेसिकली जो एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम था उसको बोलते थे कि जो एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स है इनकन्सटेंट है एंड इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है एंड दिस इज़ द रीज़न बेंथम ने सपोर्ट किया कि भाई एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम को हमें क्या करना है इम्प्रूव करना है इसमें रिफ़ॉर्म लाना है और रिफॉर्म हमारा लीगल डायमेंशन में भी होगा इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन में होगा और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम को हम सिम्प्लीफाई करेंगे राइट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज करेंगे और इनकन्सटेंस है तो यहाँ पर आप कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ कर दो जिससे कि लॉ की कंसिस्टेंसी रहे लोगों को समझ में आए लोग एक लॉ को दूसरे लॉ के साथ लिंक करके देख सके और साथ ही साथ हमें ट्रांसपेरेंसी भी इस पर एक तरीके से स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और यहाँ पर हमें यूटिलिटेरियन बेस्ड फ्रेमवर्क को लाना पड़ेगा लीगल सिस्टम में हमें लीगल सिस्टम इस तरीके से डेवलप करना होगा जिसमें हम इस यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकें और यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या है मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल सो यहाँ पर हमें मैक्सिमाइज करना है हैप्पीनेस को एंड रिड्यूस करना है पेन को ओके okay? सो so, जो बेंथम का ये आइडिया था इसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया शेप uh, करने में मॉडर्न लीगल सिस्टम को एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को सो so, ये थर्ड मेजर कंट्रीब्यूशन हो गया बेंथम का आपके मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पे नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो दैट इज़ अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी बेंथम ने यहाँ पे यहाँ पर भी यूटिलिटेरियन पर्स्पेक्टिव को यूज़ किया है और जो इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी का कंसेप्ट है इसको अपने यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के साथ ऑन करके इसे एक्सप्लेन किया है बेंथम uh, का बेसिकली मानना ये था कि जो इंडिविजुअल राइट्स है ना ये इनहेरेंट नहीं है ये नेचुरल नहीं है तो कुल मिलाकर बेंथम ने नैचुरल राइट right के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया जिसको जॉन लॉक के द्वारा सपोर्ट किया गया था नैचुरल राइट right को बेंथम ने क्यों रिजेक्ट किया क्योंकि बेंथम uh, का मानना था कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं ना ये इसलिए इस्टेब्लिश किए गए हैं क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी में एंड दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न इसे हमने सोसाइटी में स्टैब्लिश किया है इंट्रोड्यूस किया है तो बेंथम का मानना ये था कि जो राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए स्टेट के द्वारा क्यों क्योंकि ये लार्जर सोसाइटी के इंटरेस्ट पे सर्व करते हैं और एक तरीके से लोगों की हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करते हैं तो ये 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 कंसेप्ट समझ में आ गया कि यहाँ पर बेंथम ने नेचुरल राइट्स के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया है नेचुरल राइट्स इनहेरेंट नहीं होते हैं इन्हें सोसाइटी में स्टैब्लिश किया गया है और स्टेट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है क्यों क्योंकि ये इंडिविजुअल राइट्स ओवरऑल हैप्पीनेस को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं गेटिंग इट तो अभी ये कॉन्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया आपको नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ पेनोपोटिकन अब पेनोपेटिकन पेनोपेटिकन का कंसेप्ट जो है यहां पर ये एक तरीके से बिल्डिंग की डिजाइन होती है समझ में आया जो पेनापैटिकन कंसेप्ट है ये एक बिल्डिंग डिज़ाइन से रिलेटेड है तो यहाँ पर इस कंसेप्ट में बेंथम ने एक तरीके से एक ऐसी डिज़ाइन सजेस्ट की थी रिगार्डिंग टू द जेल जो प्रिजन होती थी प्रिजन की डिज़ाइन को सजेस्ट किया एक ऐसी डिज़ाइन जिसमें हम एक एक तरीके से, से हिडन सर्वेलांस सिस्टम को डेवलप कर सकें राइट सो पैनोपैटिकन कंसेप्ट पे बेंथम ने बोला कि हमें जो जेल है ना जो प्रिजन है उनकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आर्किटेक्ट के द्वारा बनाए जाना चाहिए जिसमें हम एक सर्वेलांस रख सकें मतलब जो प्रिजनर्स हैं जो जेल में कैदी हैं उन पर हम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर सकें उन्हें वो भी सिंगल वॉचमैन विदाउट देयर नॉलेज इस तरीके से हिडन सर्वेलान्स इस पर डेवलप करो कि एक सिंगल पर्सन चारों तरफ से इन जो प्रिजनर्स हैं उन पर नज़र रखें वो भी कॉन्स्टेंटली हिडन वे पे विदाउट किया जा रहा है या हम पर नजर रखी जा रही है दो so कभी नहीं किया जा सका, but still, इसका काफी ज्यादा प्रोफाउंड इंपैक्ट एंड डिस्कशन देखने को मिलेंगे मॉडर्न सोसाइटी में कि किस तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थे बेंथम के तो अगर इन कॉन्ट्रीब्यूशन का क्रिटिकल इवालुएशन करें हम तो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो चैलेंज करते हैं बेंथम के बहुत सारे कंसेप्ट को जैसे कि यूटिलिटेरियनिज़म का कंसेप्ट को कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो लोगों ने चैलेंज किया कि भाई हैप्पीनेस को आप एकटली कैसे मेज़र कर सकते हो हेडोनिक कैलकुलस के द्वारा यहाँ पर आप हैप्पीनेस को ना तो मेज़र कर सकते हो और ना ही कंपेयर कर सकते हो गेटिंग इट और अगर आप इस चीज़ को यूटिलिटेरियनिज़म को बढ़ावा देते हो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर तो यहाँ पर आप टायरनी ऑफ दी मेजोरिटी को बढ़ावा दे रहे हो यहाँ पर ये पोटेंशियल हो जाता है कि जो मेजोरिटी है ये अपना तानाशाही ही कर लेंगे और यहाँ पर जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं माइनॉरिटी का जो जस्टिस है उसे नेग्लेक्ट किए जाने की पॉसिब िटीज हैं ओके okay, तो इस तरीके से यहां पर इन्हें चैलेंज किया गया क्रिटिसाइज किया जाता है बिंथम के कंसेप्ट को साथ ही साथ यहां पर आ, जो इनका पनिशमेंट पे आइडियाज़ हैं सर्वेलांस पे आइडियाज़ हैं उसको भी चैलेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पायरेसी एंड 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 द ह्यूमन डिग्निटी राइट कि भाई इंडिविजुअल की कुछ ह्यूमन डिग्निटी भी होती है राइट right? उनकी प्राइवेसी भी होती है कुछ उस आधार पर अगर आप इस तरीके से हिडन सर्वेलांस करोगे सो दिस इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी बट ओवरऑल हम अगर कंक्लूड करें इस डिस्कशन को तो बेंथम का कॉन्ट्रीब्यूशन ह्यूज़ देखने को मिलता है आपको uh, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पे चाहे उनका यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट हो चाहे वो लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का हो राइट और चाहे वो इंडिविजुअल लिबर्टी इंडिविजुअल राइट्स का कंसेप्ट हो और बेंथम, बेंथम के जो इन्फ्लुएंशियल आइडियाज़ हैं उन्होंने कन, अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं शेप टू शेप द पॉलिटिकल थॉट एथिकल थ्योरीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ इस्पे पर्टिकुलरली यहाँ पे देखोगे तो वेलफेयर पॉलिसीज़ को और इस तरीके से इतने सारे क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी कॉन्टेम्प्रेरी स्कॉलरशिप में जो जो बेंथम की ऑन जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो जो डिफरेंट कंसेप्ट हैं वो अभी भी डिबेट का हिस्सा है तो इस तरीके से आप अपने इस डिस्कशन को कंक्लूड कर सकते हो तो आई होप कि आपको कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ़ बेंथम इन मॉडर्न पोलिटिकल थाट समझ में आया होगा और आज का ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या अदर कोई अकेडमिक नीड है आपकी तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस वीडियो को शेयर करना आप जितना हो सके ये कंट्रीब्यूट करेगा इस चैनल को ग्रो करने पे सो दिस इज़ द फेवर जो आप दे सकते हैं इस चैनल के लिए एंड यस Thanks for watching, see you in the next video, bye bye, take care.